अच्छा, मतलब लेदर लगवाए तो ड्रम करे थे उन्होंने कंपनी में? ना, ड्रम नहीं। बहुत बढ़िया, फिर कहाँ लेदर ब्रेक लग जाएंगे? अच्छा, मना ही कर दिया कंपनी वालों ने? मना कर दिया भारत बैंक में? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, भाई लेदर लगा दिया ठीक है, और ड्रम करे नहीं? काम ज्यादा होना फिर तो मना कर दिया। फिर मना ही कर दिया भाई, यही तो काम खराब है। और दोस्तों, ये गाड़ी आई थी, ये देखिए ये गाड़ी खड़ी है, और ये अपने सब्सक्राइबर हैं, पिछले एक साल से हमारी वीडियो देख रहे हैं। मतलब इन्होंने कहा कहीं काम नहीं कराना, आज इनके पास टाइम आया, और इनका भारत बैंक है दोस्तों ये, और 12 चक्की गाड़ी है, इनका काम करेंगे जैसा भी है। आपको दिखाता हूँ, वर्कशॉप लेकर चलते हैं, फिर इनसे मेरी अभी मालिक साहब से बात हुई है, तो जैसा भी आपको दिखाता हूँ इसमें क्या काम होना है क्या नहीं। और ड्राइवर से कहेंगे गाड़ी मोड़ कर, मोड़ लो गाड़ी, ले आओ। दोस्तों, गाड़ी तो पंजाब नंबर है, बाकी पूछते हैं, शायद पटियाले से लग रही है गाड़ी, बाकी देखते हैं इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं। और काम इसमें दोस्तों, गाड़ी पीछे से मतलब झुक कर चलती है, कमानी बहुत ज़्यादा इसकी बैंड होती है, और टायर खाने की जो समस्या है, अगले टायरों की पिछले की नहीं है, वो बीच वाले की है, वो बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें क्या नहीं। आ जाओ, एक साल पहले इनके चक्के ग्रीस हो रखे हैं, सारा काम होगा, दिखाता हूँ आपको आगे वीडियो। अच्छा, गाड़ी कौन सी जगह से आई है अपनी? यमुनानगर। ठीक है, तो दोस्तों यमुनानगर की गाड़ी है, और पिछले एक साल से ये वीडियो वगैरह देख रहे हैं। पहले आपको टायर दिखाता हूँ मैं, ये देखो, यहाँ से नहीं, अंदर वाला टायर देखिए आप, वो देखिए, ठीक है। और तिरछी वो खींची तो इसलिए, इनके सारा सेंट लाइनमेंट इसकी आउट है बीच वाले एक्सल की, ठीक है नहीं, ये इसकी लाइन आउट है, जो पिन तुम्हारी कमानियाँ बिल्कुल सीधी हुई पड़ी है, जैसे 10 टन माल है इस गाड़ी के अंदर, है ना। चलो कोई नहीं, ये टायर इसके बीच वाले ना ढीले करवाओ, टायर वाले को बुला लाओ। और दोस्तों इसमें देखिए क्या दिक्कत है, ये बीच वाला जो एक्सल है ना, ये पीछे है, उधर वाला एक्सल मतलब आगे जा रहे हैं टायर। और यही सेम गाड़ी हमारे पे 14 चक्की कल भी यही आई थी, उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ये देखिए आप, पहले इसके टायर देखिए, वो देखिए अंदर वाला टायर देखिए, अंदर ही गुड्डी, ठीक है ना। और ये देखिए इसकी ये पिन टूटी हुई है, अब इनका कहना है कि काफ़ी बार टूट चुकी है, चलो इसको भी देखेंगे क्या है क्या नहीं, और देखते हैं बाकी टायर खुलवाते हैं, आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में क्या काम करना है। अच्छा, इसमें ये तुम कंपनी में, तुम्हारे सेठ जी कह रहे थे भी क्या दिक्कत थी इसमें, मतलब लेदर पैदर को क्या था? लेदर लगाई इसमें, ब्रेक नहीं पकड़ रही। अब भी नहीं पकड़ रही, मतलब कंट्रोल कंट्रोल गाड़ी। अच्छा, मतलब लेदर लगवाए तो ड्रम करे थे उन्होंने कंपनी में? ना, ड्रम नहीं। बहुत बढ़िया, फिर कहाँ लेदर ब्रेक लग जाएंगे? अच्छा, मना ही कर दिया कंपनी वालों ने? मना कर दिया भारत बैंक में? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, भाई लेदर लगा दिया ठीक है, और ड्रम करे नहीं? काम ज्यादा होना फिर तो मना कर दिया। फिर मना ही कर दिया भाई, यही तो काम खराब है, काम करो उतना जितना काम बढ़िया हो और तसल्ली के साथ। अब पकड़ने को तो मैं 4-5 गाड़ी पकड़ लूँ, वो काम नहीं होगा वैसा, मजा नहीं आएगा। मैं पहले भी वो दवा ट्राई की थी, बिजी रहा था। हाँ, बस वो ऐसा ही हो जाए यार, जब काम कुम का हो रहे हैं। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, मतलब कंपनी का ये हाल है, मतलब बताओ, इन्होंने अभी लेदर भी लगवाए और वहाँ पर कंपनी वाले ने मना ही कर दिया कि इसमें लेदर ड्रम टर्न करने की कोई जरूरत नहीं। चलो सारा काम करेंगे, दिखाता हूँ आगे वीडियो में। अब दोस्तों ये देखिए, मतलब इसमें ग्रीस तो होनी होनी है, लगभग 1 साल के करीब हो गया होगा ग्रीस को, वो बता रहे थे तुम्हारे से। चलो इसको तो कर देंगे, और जो इनके लेदर हैं ये कंपनी से इन्होंने लगवाए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए ड्रम बिल्कुल मतलब एकदम चिकने हुए पड़े हैं, कोई अब ब्रेक लगेगी कैसे हैं? हाँ, ये तो आउट, बिल्कुल बिल्कुल ये तो आउट, तो वो तो तेरी बात में समझ गया, ये तो जब फेस हो जाएंगे ना एकदम सेट हो जाएगा, ब्रेक के भी बढ़िया आएंगे, फिर एडजस्टिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कमानी भी बिल्कुल सीधी हुई पड़ी ला। और ये भी चिकना ही हो रहा ड्रम, तो ऐसे ही हुए पड़े बस। और ये देखिए दोस्तों, मतलब कंपनी से लगे हुए लेदर हैं, और देखिए आप हालत देखिए, ये भी चिकना ड्रम है, तो उसने भी बिल्कुल लेदरों को चिकना कर दिया। चलो करेंगे जैसा भी है, चक्के भी ग्रीस होंगे जैसा भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कमानी बिल्कुल सीधी है जैसे परली साइड की, और पीछे तो थोड़ा बहुत हल्का मोटा है दम, लेकिन इसको भी देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दम जो टूटेगा बीच वाली कमानी का टूटेगा, सबसे ज़्यादा लोड ये लेता है एक्सल, ट्यूब एक्सल। दोस्तों भारत बैंक 12 चक्की गाड़ी है, और इसमें इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी है इस गाड़ी में, और ये हमारे पास लेकर आए हैं गाड़ी, और काफ़ी कुछ है, सारा कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में, एंड तक देखना। गाड़ी में दबने की शिकायत है, चक्के ग्रीस करे को 1 साल हो गया, और ये कंपनी में लेकर गए, ब्रेकिंग की दिक्कत थी इनको, और वहाँ पर कंपनी में कर दिया इनको काम के लिए मना।
सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों, आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक्सल खोलने के लिए हमने काम स्टार्ट किया, ट्यूब एक्सल करेंगे। इसमें टायर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, टायर खाने की शिकायत है। और दूसरा दोस्तों ये चारों कमानियाँ बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं, इनका कहना है ड्राइवर साहब का, इसको भी हाई करेंगे। और गाड़ी दोस्तों चलनी है ये मतलब 30 से 35 टन, ठीक है ना, 35-40 के हिसाब से इसको दम देंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना, मैं दोबारा आपको बार बार कहता हूँ, अगर आप स्किप करके आगे देखेंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा वीडियो में हमने क्या किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ ना करें। तो पहले हम ट्यूब एक्सल खोल के रखेंगे प्रेस मशीन के पास, क्योंकि ये बिल्कुल एंड का काम है, तो ट्यूब एक्सल तो करेंगे बाद में, ठीक है ना। उससे पहले हम कमानियाँ उतारेंगे बीच वाली, उसको हाई करेंगे, दम देंगे 35-40 टन के हिसाब से जैसा भी है। और उसके बाद इनमें चक्के ग्रीस भी होने हैं और ब्रेक भी नहीं लगती, सब कुछ दिखाता हूँ आगे आपको। तो दोस्तों कमानी देखिए, पहले आप बिल्कुल सीधी हुई पड़ी हैं और गाड़ी में लगने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे 10 से 15 टन गाड़ी में माल डाल रखा है। तो कमानी में भी दम देंगे, कोई लोग हाई कहते हैं, कोई दम कहते हैं, तो हमारे यहाँ तो दम देते हैं कहते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हाई करनी है। चलो जैसा भी है, बात तो एक ही है, तो इसको करेंगे दम। और दोस्तों उधर चक्के ग्रीस होने के लिए चक्के धुल रहे हैं, और जो लेदर कंपनी ने लगा कर दिए हैं ना दोस्तों इनको, अब मैं आप कंपनी की भी बात आपको बताता हूँ, कंपनी ने इनको लेदर लगा के दिया, ये गाड़ी कंपनी में लेकर गए भारत बेंच कंपनी में, क्योंकि भारत बेंच की गाड़ी है। और वहाँ पर भारत बेंच कंपनी के जो मैकेनिक है उन्होंने काम करने के लिए मना कर दिया, देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ मेरे भी हजम नहीं हुई, इन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और मैंने कहा आप हमारी वर्कशॉप पर लेकर आइए, कोई बात नहीं, अगर जिसने जो काम कर दिया ठीक है, अगर कोई अधूरा है तो हमारे पास लेकर आइए, हम उस काम को तसल्ली के साथ आपको करके देंगे। तो ये अब गाड़ी हमारे पास लेकर आए हैं, इन्होंने हफ्ते 10 दिन पहले मेरे साथ बात की, तो मैंने इनको आज का टाइम दिया था। और दोस्तों मतलब लेदर लगाने के बाद देखो, कहीं पर भी अगर ब्रेकों की कोई दिक्कत परेशानी है ना, और उसमें अगर आप लेदर लगा दोगे और जो ड्रम है ना, ड्रम जो मतलब ब्रेक पकड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो पुराने जो होते हैं लेदर, वो बिल्कुल चिकने हो रखे होते हैं। तो जब भी आपको ब्रेकों की दिक्कत है, अगर आप लेदर नए लगवाते हो तो ड्रम टर्न जरूर कराएं, और वो होता है लेथ मशीन पर, खराद मैकेनिक जो होते हैं खराद मशीन पर होते हैं जितने भी ड्रम टर्न होते हैं। तो हमारी वर्कशॉप में तो सारा मतलब जितनी भी अपनी प्रेस वगैरह मशीनें हैं सब कुछ अवेलेबल हैं, तो सारा काम यहीं पर हो जाता है। इन्होंने हमारी वीडियोज़ देखी, हमारे पास गाड़ी लेकर आए हैं और इनका काम करेंगे, कमानी में दम भी देंगे, चक्के भी ग्रीस हो रहे हैं, और जो इन्होंने कंपनी से लेदर लगवाए जहां उनको मना कर दिया, तो यहां इस वर्कशॉप में वो काम इनका सारा कंप्लीट करेंगे और ड्रम भी टर्न करेंगे, और उसके बाद एडजस्टिंग होगी तो ब्रेकें भी बढ़िया लगेंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और एक साल पहले इन्होंने चक्के ग्रीस करवाए थे दोस्तों, चक्कों की तो बुरी हालत है, एक एक दो बैरिंग भी इनके दागी निकले हैं, ख़राब हैं बैरिंग भी, चक्के के बैरिंग, और वो भी डालेंगे और बढ़िया वाला इनको ग्रीस ला के देंगे, उससे इनको मतलब चक्के ग्रीस करेंगे पहले धोने के बाद। और सबसे पहले ये कमानियों का काम जरूरी है, सबसे पहले कमानियाँ टंगेगी, उसके बाद ट्यूब एक्सल फिट होगा, चक्के ग्रीस और ड्रम टर्न वो बाद की बात है। और दोस्तों इस पे आप लोगों की क्या राय है, मुझे राय अपनी ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में आपका वेट कर रहा हूँ। और मतलब ये कंपनी में लेके गए तो कंपनी की देखो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बैठती है कि नहीं, आप ये मुझे बताइए। चलो वो हम तो काम कर ही देंगे, लेकिन आदमी गाड़ी लेता है कंपनी के मतलब उस पर विश्वास पर, भाई कोई भी काम होगा तो कंपनी में लेकर जाएंगे,
लेकिन वहाँ के मैकेनिकों ने इस भाई को मना कर दिया, तो ये कुछ बात मेरे भी समझ नहीं आई। चलो हम तो बैठे ही हैं, अगर किसी ने मना कर दिया तो गाड़ी हमारे पास लेकर आए हैं। जो दिक्कत है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर ना लेथ मशीन लगी है, ना वहाँ पर कमानी की प्रेस मशीन लगी हुई है, तो जो भी है सब कुछ अपने गुरु नानक वर्कशॉप में अवेलेबल है, तो सारा काम करेंगे इनका। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए और इसमें कमानी दम देने के बाद फिर करेंगे फिटिंग। दोस्तों कमानी तो हमने कर दी है, दम दे दिया, एक ही कमानी और एक अभी लंच का टाइम है, दूसरी भी आके करूँगा। और ये देखिए इधर ये
हब ग्रीस हो रहे हैं और छोटा बैरिंग बाकी है। निकाल दिया बट ठीक है। तो ये देखिए ग्रीस, ये कितना टाइम हो गया ग्रीस करे हुए, हो गया होगा साल एक साल हो गया, तो साल से ज़्यादा हो गया दोस्तों। देखो बैरिंग तो दागी होंगे होंगे और बिल्कुल सूखे पड़े थे चक्के। चलो अब इसको ये भी करेंगे, कमानी में दम भी आएगा और ये भी होंगे, तो सारा काम होगा। आगे दिखाता हूँ, अभी ट्यूब एक्सल भी प्रेस होने वाली पड़ी है उधर, वो पड़ी है। तो दोस्तों एक कमानी तो हमने कर दी है और दूसरे की भी तैयारी है, वो इस साइड बांधेंगे। परली साइड कमानी बांध के तैयार कर दी है और ट्यूब एक्सल दबाने की तैयारी है। उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए जो कंपनी ने, भारत बेंच कंपनी ने मना कर दिया था, ये काम है वो, इसको कहते हैं ड्रम टर्न करना। बिल्कुल चिकना हुआ पड़ा था, जब ब्रेक लगेंगी तो काम करेगा ही नहीं, मतलब ब्रेकें लगेंगी नहीं जब चिकने हो रहे हैं। और नए लेदरों की भी बिल्कुल प्लेन कर रखा है इस ड्रम ने, और ड्रम को करेंगे खुरदरा कहते हैं जिसको, मतलब टूल लगाएंगे और खुरदरापन आएगा तो ब्रेक की पकड़ मजबूत होगी। तो ये काम होते हैं ऐसे, और बस इसकी कमानी भी करेंगे। तो सबसे पहले ट्यूब एक्सल इसका प्रेस करते हैं, तैयार है ट्यूब एक्सल दबने के लिए। और दोस्तों ये भारत बैन ट्यूब है और बस इसको दबाएंगे, इन्होंने चलना है 30-35 टन के हिसाब से, और इसको चेक करेंगे क्योंकि पहली बार ये ट्यूब एक्सल खुला है, तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल उल्टी ही मिलेगी, मतलब जैसे हमको दबाना चाहिए उसका उलट। और इसको करेंगे 38 टन तक के लिए तैयार, वैसे 35 ही भरना है इन्होंने, और उसके बाद टायर बाद में मैं अपने हिसाब से लगवाऊंगा कैसे लगाने हैं, क्योंकि काम मैं सारा कर दूंगा। अगर टायर गलत लगा दिए ना ड्राइवर ने तो मेरे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो टायर दोबारा खाती चली जाएगी गाड़ी, और फिर लोग कहते हैं कि ये टायर खा गई। तो ये भी रीज़न होता है, कई बार आपने देखा होगा गाड़ी काम करवा लोगे आप मैकेनिक से, है ना, उसके बाद भी टायर खाती रहती हैं गाड़ी, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये उनके साथ होता है जिन मैकेनिकों को ये नहीं पता कि टायर लगाने कैसे हैं, अंदर लगाना है, बाहर लगाना है, परली साइड लगाना है, ड्राइवर साइड लगाना है, कंडक्टर साइड, या कौन सी गुड्डी बाहर आएगी रबर टायर की, या कौन सी गुड्डी अंदर जाएगी, तो ये चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ता है। कम से कम 60% गाड़ियाँ टायर लगाने से सही हो जाती हैं, 50 या 60%, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो काम वहाँ कराएं जिसको, हर बंदे को, मतलब जिस बंदे को नॉलेज हो, बहुत रेयर ऐसे मैकेनिक हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज होती है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, इसको चेक करने के बाद दबाएंगे, तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को।
तो दोस्तों ये चक्का एक रह गया, इसको करेंगे ग्रीस। और ये ट्विन एक्सल, इसकी कमानियाँ भी मैंने दम देना। और ये देखिए इधर की साइड का एक चक्का, कमानी बस वो पड़ी है, उसको मैं दम दूंगा। और एक साइड काम बिल्कुल कंप्लीट है, कमानी कर दी, दम भी दे दिया, ट्यूब एक्सल कर दी है, और एक साइड काम कंप्लीट है। कमानी पर ली दम देने के बाद उसे भी करेंगे फिट। और दोस्तों ये जो भारत बेंज की कमानियाँ होती हैं, ये आम टाटा लेलैंड गाड़ी की तरह नहीं होती, इसका बैलेंस थोड़ा सा आउट होता है इन कमानियों का। और जिस बंदे को पता है ना, वो ही बंदा इसको मैकेनिक दम दे सकता है। ये हर मैकेनिक इसको मतलब दम नहीं दे सकता, अगर दोगे तो फिर उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। अब दोस्तों रिस्क आप भी सोचोगे रिस्क कैसा रहता है, पहले आप ये देखिए ये चक्के ग्रीस हो रहे हैं। और रिस्क ऐसा रहता है कि उसमें कई बार पट्टे टूटने की शिकायत आने लगती है अगर गलत दम आ जाए। चलो खैर कोई बात नहीं, हमने तो दे दिया है। और ये ग्रीस भी देखिए, ये ट्यूब एक्सल बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है, मतलब ये ट्यूब एक्सल की जो दोनों कमानी है और चक्के ग्रीस सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आया कमानी में दम, और पहले कैसी हो रही थी? बिल्कुल पहले तो वही थी, हाँ। इसमें तो फिर भी है थोड़ा बहुत पीछे, जब भी दम टूटेगा ना इसी का टूटेगा। तो देखो काम को तसल्ली से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दम इसमें आ गया पूरा प्रॉपर, ट्यूब भी एक्सल भी हो गए, चक्के भी ग्रीस हो गए, ड्रम भी टर्न हो गए। अब सिर्फ सुबह तुम्हारी ये दोनों कमानियाँ बस इनमें खोल के दम दे देंगे, काम हो जाएगा तुम्हारे से। बस ये तैयार है, टायर लगाओ। रुको रुको रुको, मुझे दिखाओ। हाँ ये बाहर करो, ये वाला बाहर करो, इसके साथ का कहाँ है वो? ये नीचे पड़ा है, ये होगा, हाँ है ना, इसको परली साइड कर दो, घेर दो परे। ये वाला ऐसा, इसे करो अंदर, दिखाइए आराम। हाँ इसे करो अंदर, ठीक है ठीक है। और ये छेड़ने नहीं है टायर, आज कल को जाओगे ना यहाँ से तो टायर नहीं छेड़ने बिल्कुल भी। जैसे मैं लगवा दूँगा टायर कम से कम 20-25 दिन, एक महीना, मुझे एक महीने के अंदर अंदर गाड़ी चेक करानी है, ठीक है ना। हाँ और हवा तो चेक नहीं कराई आप टायरों में यार, चल लगाओ सुबह देखेंगे, ठीक है ठीक है। और दोस्तों गाड़ी आपने जैसा देखा सारा काम इसका निपटा दिया, काफ़ी काम था आज। और चारों कमानियों में दम, तो दो कमानियाँ रह गई हैं, इसको करेंगे सुबह। और ये ट्यूब एक्सल और मतलब चारों तरफ के ड्रम और इसका ग्रीस वगैरह काम, ट्यूब एक्सल और बीच वाली दोनों कमानी, सारा कुछ कर दिया आपने पूरी वीडियो में देखा। और सुबह इसकी जो पिछली दो कमानी रह गई हैं इसको भी दम देंगे, और जैसा भी है इसे फिटिंग करेंगे और गाड़ी को करेंगे रवाना। तो तब तक आप मिलते हैं आपके साथ सुबह अगले दिन। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, 31-23, और सारा काम इसका हम कर गए थे, बीच वाली दोनों कमानियों में दम, ट्यूब एक्सल, चक्के ग्रीस सब कुछ कर दिया, ड्रम वगैरह। अब ये सिर्फ दो कमानियों का काम बाकी है, इसमें भी दम देंगे और आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। और इधर ये गाड़ी आ रही है, और दोस्तों लोग कहते हैं कि भैया दो दिन से ये गाड़ी खड़ी है, कह रहे काम करवा कर जाना आपसे, तो आज इनका टाइम लगाया और इस गाड़ी को भी कम्प्लीट करेंगे, और इस गाड़ी की अलग से आपको वीडियो आएगी। और जिस भाई ने वो 6 चक्की गाड़ी जो अभी हम अंदर लगवा रहे हैं उसकी अगर वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर इस गाड़ी की मतलब वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत थी, छोटी गाड़ी है वो। और दोस्तों ये जो दो कमानियाँ रह गई हैं, बाकी चक्के ग्रीस, ड्रम टर्न, एक्सल, कमानी में दम, सब कुछ काम हो गया, सिर्फ ये पिछली दो कमानियों में दम रह गया, और इसको उतार के इसको देंगे दम। तो दोस्तों कम से कम टाइम तो देखो लगता ही है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको घड़ों से मतलब हथौड़ों से पीट पीट कर दम देते हैं, तो वहाँ पर तो गाड़ी वालों के पैसे खराब जाते हैं, क्योंकि कभी भी इन कमानियों में हथौड़ों से घड़ों से कभी नहीं मिल सकती है कमानियाँ, ठीक है ना। ये पावर प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस से ही इसमें दम आता है।
और अगर आप कहो कि एक बंदा इसको पीट देगा तो बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल की खुराकें ऐसी नहीं है कि इस कमानी में जितना मैं दम देता हूँ उस हिसाब से दम दे दे। वो अलग बात है कि दो दो चोट मारे और चलो जी दम आ गया, वो चीज़ नहीं, वो तो हम भी कर देंगे, लेकिन जितना मैंने दम देना ना वो दम नहीं आ पाएगा घनों से। तो लीजिए दोस्तों, मिलानी तो सेम वैसे ही थी, और ये मिलाने के बाद इसमें मैंने दम दे दिया और इसे कराया फिटिंग, और परली साइड की एक कमानी रह गई है, और लीजिए वो कमानी भी बिल्कुल रेडी है, और सब कमानियाँ इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, बस इसको करते हैं फिटिंग। और दोस्तों बस परली कमानी सारी तैयार है, पूरा काम तैयार है, बस इसमें एक कमानी लगा के इसको फिट करेंगे, और इसका काम हुआ कंप्लीट, एक आधे घंटे का काम है। ये बड़ा दोस्तों कमानी हो गई है फिट। ये किसी टाइम आओगे ना स्पेशल एक दिन का टाइम, इसका नक्का खोल के इसमें पिन भी चेंज करेंगे, इसका झूले मुर्गे करवा रखे कभी नहीं, नहीं। तो एक डेढ़ महीने में जब भी तुम्हें टाइम लगे इसके लिए आ जाना, इसके बुश भी हल्के हल्के से चाल है वो भी हो जाएंगे, दोनों नक्के खोल के, और छः बोल्ट डालेंगे इसमें, चार है ना, छः डालेंगे और मोटे बोल्ट, ऐ तसली हो जाएगी, टेंशन ना लो। अब तुम ये वाला जो टायर है ये बाहर लगाओ, वो वाला अंदर लगाओ, वो पड़ा जो ये पहले अंदर था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब ये टायर छेड़ने नहीं है, जैसे मैंने लगवा दिए ना इधर उधर साइड पलटी, बस शर्त एक है हवा कम ना चले। यार हवा चेक कराई हमने? नहीं, हवा तो नहीं, यार हवा तो हवा चेक करवा लियो, अगर हवा डाउन 180 जो ये टायर है इनमें 180 चलेगी, ये नए टायर ही हैं, ये खा रखे, हाँ 180 ठीक है नहीं, और इनमें हवा पूरी करा लियो पूरी, ठीक है ना, अब सही है, लगाओ टायर। चलो ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब आओगे तो आके फ़ोन कर देना, और 15-20 दिन में दिखा देना गाड़ी, टायर ना छेड़ना, हवा करा लेना चेक वहीं पे ढाबे पे करा लो जाए, ठीक है नहीं, हाँ हाँ करा लेना, चलो ठीक है, ओके। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 और बाय बाय।